बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कई मर्द और हजरात ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि वज़ाइफ में असर नहीं हो रहा। भाई आपके अज़कार में असर कैसे जाहिर होगा? उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है? आप जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो अज़कार, आपके तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं। खुदारा अपना कुरान अच्छा करें, कुरान को कवायद मखारिज के साथ पढ़ें। अगर आप बाद ऐसे ऐसे पीर बने हुए देखें, ऐसे ऐसे माज़ल्लाह बज़ाहिर यूं कह लें कि नाम निहाद आलिम भी, मुफ्ती भी, पीर भी, उनका कुरान ही दुरुस्त नहीं है और हम उनको पीर बना के बैठे हुए मजूर कुरान पढ़ें, तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं। यानी पीर साहब को सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आ रही और मुरीदों का रश लगा हुआ है। तो खुदारा भाईजान, आप जब तक कुरान अच्छा नहीं पढ़ेंगे, आपको वज़ाइफ की बरकतें कैसे मिलेंगी? फिर रिज्जत पैदा हो जाती है जी। औरतें कह रही, हम तो कुरान पढ़, हम तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक गए। अलीजा, मसला यह है कि आप जो कुरान पढ़ रही हैं वो दुरुस्त नहीं पढ़ रही। तो कुरान को अच्छा पढ़ें, अरबी लैंग्वेज में पढ़ें, अज़कार जो भी पढ़ें तलफ़ुज़ दुरुस्त हो, आपके मखारिज अच्छे हों। खुदारा जहाँ आप अपनी आने वाली नस्लों पर भी रहम करें, जहाँ आप उसको अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ा रही हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हैं, खुदारा अपने बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ाएं ताकि कल आपका भी दुनिया और आखिरत में आपका मुस्तकबिल भी रोशन हो। मरने के बाद ये औलाद आपके लिए भी सदका जारिया। तो कुरान अच्छा होगा तो अज़कार का फायदा होगा और नमाज भी पढ़े। नमाज नहीं पढ़ते जी औलाद पढ़े। भाई जान, नमाज की पाबंदी करेंगे तो वज़ाइफ पे असर होगा। तो वज़ाइफ में असर ना होने की एक बड़ी वजह कुरान अच्छा ना पढ़ना, नमाजें ना पढ़ना और लुकमा हराम का शिकम में जाना। जब रिश्ते हलाल खाएंगे तो फिर वज़ाइफ काम करेंगे, फिर दुआएं काम करेंगे।